हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिर्ज़ा सैम और मैं आज अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा स्टार्ट करता हूं, जिस पर हम छोटी छोटी फिलहाल अभी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन हमारा ये जो मेनली जो टॉपिक है, उसका मेन रीज़न है कि आप हर एक तरीके के कॉम्पिटिशन को निकाल सकें, जहां पर हम मेन फोकस रखेंगे एसएससी सीजीएल, ठीक है। लेकिन एसएससी सीजीएल पे जाने के लिए अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस कराने लग जाऊंगा तो वो आपके लिए बेहतर नहीं रहने वाला है। तो मैं सोचा, मैंने ऐसा है कि मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊं, बड़े ही बेसिक से, और इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो आपने पहले कभी नहीं देखे, ठीक है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किया होगा और आप शायद कर भी सकते होंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आप देखते ही इसका आंसर देने वाले हैं। मेरी आज की जो टॉपिक का हेडिंग होगा वो होगा देखते ही आंसर, मतलब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखते ही आंसर दे देंगे। और इसका आंसर देने के लिए इससे पहले हमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन चीज है कॉन्सेप्ट को सीखना। तो हम पहले काम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो हम छोटी सी चीज पर आते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। देखिए, यहां पर हम एक चीज तो ये समझेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन अगर हमने इस तरह से लिखी हुई देखी, 1/3, जस्ट जैसे कि हम देख रहे हैं दो नंबर लिखे 4+5, ठीक। तो अभी मुझसे बोला जाए इनका एडिशन क्या होगा, तो हम बोल देते हैं बहुत जल्दी 9 होगा। तो इसका जो मेन रीजन है 9 होने का, वो क्या है, इस चीज को समझते हैं कि 4 का जो डिनोमिनेटर है वो भी 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है, और यहाँ पर भी आ क्या रखा है, 1 आ रखा है। लेकिन जब ये 1 होता है तो हम लिखते नहीं है, और जब यहाँ पर ये 1 है तो दोनों प्लेसेस पे अगर 1 1 है तो ऊपर अगर साइन प्लस का है तो हम प्लस करने वाले होंगे, और अगर माइनस का होगा तो हम माइनस कर रहे होंगे। तो यहां पर हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जब भी यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, 1 1 की बात नहीं, बात है सेम की, जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको अगर ऊपर साइन प्लस का लगा है तो प्लस कर देना है, माइनस का लगा होगा तो आप माइनस कर देंगे। तो 4+5 कितना हो गया आपका, 9 हो गया। इसी तरीके से ये नंबर कुछ इस तरह से होता है 4/3+5/3, तो भी आप बहुत आसानी से यही कर रहे होते। 4+5 कितना हो गया, 9 9/3, ये कितना बनता जाके आपका 3 बन जाता है, ये 3 आपका आंसर हो जाता है। एक बात हो गई छोटी सी। देन उसके बाद में हम लोग दूसरी चीज पे चलते हैं आगे, कुछ इसी तरीके की चीजें। यहां पर हमने लिखा 9/2, यहां पर लिख दिया हमने 3/4। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो अब अगर मुझे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो इस फ्रैक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करें। तो पहली बात तो हमको एक बात मालूम है कि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो पहला काम हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, कि हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें। तो सेम करने के लिए क्या करना है, यहां पर दिख रहा है हमको 4, यहां पर दिख रहा है 2, हम 2 को इजिली 4 बना सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर नहीं कर रहे, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें करना पड़ेगा ऊपर, हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमें नजर आता है कि आप डिनोमिनेटर में हमारे तो 4 हो गया यहां पर एक बार, और यहां पर ये कितना दिख रहा है 18, और ये 3 कितना हो गया 21। तो आप बोलेंगे इसको 21/4 आपका आंसर हो गया, ठीक। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 21/4, तो इसको सॉल्व करके हम लिखेंगे 4 5 20, तो ये तो आ गया 5, ये आ गया 1/4। ये छोटी छोटी, देखिए मैं बोल रहा हूं कि मैं शुरुआत में बहुत छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं, अभी बस ये 5-10 मिनट कुछ मिनट्स की वीडियो होगी, आप इसको देखिएगा, और एट द एंड हम इसको बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। और जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं उसमें सिर्फ एक वीडियो नहीं बनेगी, बहुत सारी वीडियो बनेगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। फिर बात आती है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन को करने की, कि हमने लिखा 1/4+3/9, 3/2 कर इसको अभी मुझको सॉल्व करना है, तो ये तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, इसको मैंने कर लिया यहां पर 6 कर दिया। तो अभी मुझको क्या करना है, यहां पर 6 लिखा हुआ, यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो करना क्या है, हमको इस 2 को ये 6 बना लेना है। तो हमारे पास में तरीका क्या होने वाला है, कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर भी किसका 3 का और ऊपर भी 3 का, तो क्या हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, ये तो आ गया 6। अब यहां पर हमको ये दिख रहा है 9, और इसमें जोड़ना कितना है 1, तो कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो 10/6 हो गया, इसको हम और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 से सिंप्लीफाई किया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2/3, ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, छोटी छोटी चीजें। अब हम चलते हैं कुछ आगे हल्का सा, रुक जाओ यार। हेलो, तो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक तो उस तरीके की छोटी छोटी फ्रैक्शन है उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं। एक और ले लेते हैं कुछ अलग सी फ्रैक्शन, जैसे कि हमने ले लिया 2/3 यहां पर, और यहां पर ले लिया मैंने 7/4। ठीक है, तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई इस 3 को हम 4 नहीं बना सकते, इस 4 को हम 3 नहीं बना सकते। तो तरीका क्या है, एक तरीका ये आसान सा है कि एक काम ऐसा करो कि आप 3 को 4 नहीं बना सकते, 4 को 3 नहीं बना सकते, लेकिन एक ऐसा नंबर सोचो जो दोनों ही बन सकते हैं। तो एक ऐसा नंबर जो है वो मुझे समझ में आता है जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, या जिसके अंदर 3 भी आता हो 4 भी आता हो, वो नंबर मुझे समझ में आता है 12 है, 12 है। तो हम इन दोनों ही नंबरों को 12 बना सकते हैं ना, जैसे 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहां की अगर हम बात करें, इसको भी 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और ऊपर भी 3 से। तो यहां पर नीचे तो 12 होने वाला है, कितना होने वाला है 12। देन उसके बाद में यहां कितना हो गया 8, और यहां कितना हो गया 21। 8 और 21 कितना होता है आपका 29 होता है, तो 29/12 आंसर हमारा बन जाता है। देन उसके बाद में ये हमारी फ्रैक्शन किस तरह की बनेगी, जाके 12 × 24 बचा कितना 5/5/12 हमारा यहां पर आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें होंगी हम कर पा रहे होंगे। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, जो हमने क्लासेस में सीखा है वो सीखा ये है कि इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो हम कहते हैं 3 और 4 का एलसीएम ले लो। तो 3 और 4 का एलसीएम का मतलब ये होता है कि वो नंबर होगा जिसके अंदर 3 भी होगा और 4 भी होगा। ठीक है, एक बात, या एक ऐसा नंबर होगा जो 3 से भी कैंसिल हो जाता होगा और 4 से भी कैंसिल हो जाता होगा और सबसे छोटा नंबर होगा। तो बेसिकली हमने यहां पर एलसीएम नहीं बोला, हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसके अंदर दोनों ही नंबर पहले से है, या दोनों से ही वो इजिली कैंसिल हो जाता है, तो वो नंबर 12 था। ठीक, तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं 3 वाले का, जैसे कि हमने ले लिया 1/3, 1/4 प्लस 3/5। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है कि डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो एक ऐसा नंबर कोई जिसके अंदर 3 भी आता हो, 4 भी आता हो, 5 भी आता हो। तो आप एक तो काम कर सकते हैं एलसीएम निकाल ले, दूसरा काम कर सकते हैं कि आप ना कॉमन सेंस लगा ले। ठीक है, तो कॉमन सेंस से समझ में आता है कि हाँ यार 60 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो हमने देखा कि 60 एक ऐसा नंबर है, तो बेसिकली बनाना हमको क्या है, 60 बनाना है। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करेंगे, 20 का। तो यहां पर से हमको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, रिजल्ट कहां से मिलने वाला है हमको, यहां से। तो बेसिकली हम डायरेक्ट आएंगे और 20 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। ठीक, देन उसके बाद में यहां इस 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 60 हो जाएगा, 15 से करेंगे। तो हम सिर्फ डायरेक्ट ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई 15 से। देन यहां पर 12 में किससे करेंगे, सॉरी 5 में किससे करेंगे, 12 से। तो हमने क्या करा, 5 × 12, क्योंकि 3 में करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आती होगी। तो ये कितना हो गया 20, ये हो गया 15। 20 और 15 कितना होता है 35, 35 और ये हो गया 36, ये बना जाके आपका 71। तो 71/60 आपका आंसर हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारा आंसर बन रहा होगा 1/11/60। आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग इट इन अ बेटर वे। चलिए अब ये जो क्वेश्चन ऊपर वाला दे रखा है, हम इस पे डायरेक्टली लगभग बात करना स्टार्ट करते हैं कि इसके लिए जो हमें कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है उसको पहले जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कि अगर हमको कुछ इस तरह से दे दिया जाता है 4 whole 1/2 plus 3 whole sorry 7 whole 8/9। ठीक है, तो अगर मुझसे बोला जाए कि इसको एड करना है, तो मैं यहां पर आपको पहले तो बताना चाहूंगा ये जो नंबर लिखा है इसका मतलब क्या है। ये एक फ्रैक्शन है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का रीजन क्या है इसके अंदर, बेसिकली यहां पर हम इंग्लिश में जो बोल रहे हैं 4 whole 1/2। तो जो 4 whole है मतलब कि वो 4 जो है वो पूरा है, और 1/2 की बात करेंगे वो अधूरा है, अधूरे को ही हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो बेसिकली 1/2 है वो फ्रैक्शन है और एक पूरा नंबर है, जो दो चीजें मिल रही, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहां पर 4 तो पूरा है,
इसी तरह से यहां सात पूरा है और ये अपने आप में कुछ अधूरा है, ठीक। तो इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एक तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो चौके आठ, आठ और नौ, नौ बटे में दो और नौ सत्ते तिरसठ, तिरसठ और आठ कितना होता है जाके आपका इकहत्तर, इकहत्तर बटे नौ। ऐसे करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेंथी वे हो जाएगा, उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जो शॉर्ट वे है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहां पर ये चार पूरा और यहां पर ये सात पूरा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हीं को जोड़ देंगे, चार और सात को, चार और सात को हम जोड़ेंगे जब, तो बनेगा जाके कितना, ग्यारह, चार और सात ग्यारह होगा। तो अभी हम पूछे कि अब बचा कौन, आप बोलोगे वन बाई टू को भी जोड़ना है और एट बाई नाइन को भी जोड़ना है, ठीक। तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जा रहा होगा, ठीक। तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। तो ये रहा ग्यारह, अब इसको सॉल्व करना है। तो तरीका क्या होगा कि मुझे बेसिकली नीचे बनाना कितना है इसके, क्या बनाना है भाई, एक ऐसा नंबर जो कि दोनों से कैंसिल हो जाए, अठारह, ठीक। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नौ से, तो डायरेक्ट मैंने ऊपर ही नौ से कर दिया तो नौ आ जाएगा। यहां पर किससे करना पड़ेगा, दो से, तो हमने डायरेक्टली ऊपर कर दिया तो कितना आ जाएगा, सोलह, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे बढ़ के हो क्या जाएगा, ये पच्चीस हो जाएगा, पच्चीस बटे अठारह, पच्चीस बटे में। अब हमने सॉल्व किया इसको, तो 11 प्लस ये क्या आ गया, जब हम इसको सॉल्व करके लिख रहे होंगे वन होल 18 एक 18 बचा कितना, 7, 7 बटे में 18, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11 और एक 12, तो 12 होल 7 बाई 8, मतलब कि 12 तो पूरा हो गया, 11 ये वाला और एक ये पूरा, तो कितना हो गया 12। अब ये बची हुई फ्रैक्शन ने साथ में लगा ली, तो हम इस तरह से कर लेते हैं। एक छोटी सी बात थी, आई थिंक मेरी तुम्हारे समझ में आ गई, ठीक है। अब हम छोटी छोटी बातें और सीखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जैसे कि सपोज कीजिए कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, थ्री होल वन बाई फाइव, फोर होल टू बाई फाइव प्लस फाइव होल वन बाई फाइव, कुछ इस तरह से दे रखा है। इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर हम देखो बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, ये तो तीन है पूरा, यहाँ पर ये चार पूरा है और यहाँ पे ये क्या है, पांच पूरा है। तीन और चार कितना हो जाता है, सात, सात और पांच कितना हो जाएगा, बारह, सात पांच बारह, तो ये तो पूरा हो गया बारह। देन उसके बाद में मुझको ये वाली फ्रैक्शन को, जो बची हुई फ्रैक्शन है उसको जोड़ना है। तो जब उसको जोड़ना है तो बेसिकली सभी के डिनोमिनेटर में क्या है, पांच है, तो हमें तो अंदर से बड़ी खुशी मिलेगी कि भाई जब डिनोमिनेटर को तो सेम करना पड़ता है, तो यहाँ पर तो पहले से ही सेम है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर पांच। देन उसके बाद में एक ये, दो ये, एक और दो तीन, तीन और एक चार, तो ये चार हो गया। तो अब हमसे बोला जाए इसको फ्रैक्शन में लिखो, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे करके लिख सकते हैं कि बारह पूरा है और चार बटे पांच अधूरा है, तो बारह सही चार बटे में पांच, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। छोटी छोटी बात हम लोग सीख पा रहे हैं, तो हम लोग यहां तक सीख गए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन, देखते हैं थोड़ी सी बात इसी तरीके का क्वेश्चन। जैसे अगर मैं बोलूं इसका एक छोटा क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं, 99 होल 1 बाई फाइव, 99 होल 2 बाई फाइव, डेट डैश इस तरह से चल रहा है और गिनती चल रही है, 99 होल 4 बाई फाइव, चलो बचा ही गया इसमें बीच में एक ही तो और लिखना है, 99 होल 3 बाई फोर प्लस, इसको करना होता। तो मेरे समझ में तो ये आता कि 99 99 99, देखिए हम दो तरीके से करेंगे। मैंने आपसे बोला है कि देखते ही आंसर, तो देखते ही आंसर आने वाला है, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे समझाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, देन उसके बाद में देखते ही आंसर की जो ट्रिक है वो आपको लास्ट में बताऊंगा। देखते, तो यहां पर 99 दिख रहा है, 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 तो इन सबको जोड़ना है। तो एक तो हम 99 99 99 करके जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज इस तरह से लिखी हुई है, पांच प्लस पांच, पांच प्लस पांच, तो आप ऐसे करके जोड़ोगे पांच पांच दस, दस पांच पंद्रह, एक तो ये बात बोल सकते हो। दूसरी बात ये समझ में आती है कि भैया ये कितने बार पांच लिखा है, तीन बार लिखा है, तो आप कहोगे पांच गुणे में तीन, पांच क्यों पंद्रह, ऐसे करके बोल सकते हो इसको पंद्रह, ठीक है।
तो बेसिकली जो चीज जितने बार लिखी होती है उसका मल्टीप्लाई हम उतने बार करते हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये जो 99 की जो बात है, तो 99 लिखा कितने बार है, 4 बार लिखा है, तो हम ऐसे करके बोल सकते हैं 99 × 4। तो ये जो आगे होल नंबर है उनका मल्टीप्लाई, उनका एडिशन तो ये हो जाएगा। फिर बची बात किसकी, बटे में 5 यहां पर, बटे में 5 यहां पर है, सॉरी यहां पर भी 5 करना है, बटे में 5 यहां पर है, बटे में 5 यहां पर, इस वाली फ्रैक्शन को जोड़ना है। जब इस फ्रैक्शन को जोड़ने की बात आएगी तो अपॉन में क्या आने वाला है, 5, तो अपॉन में तो 5 आ जाएगा। इसको जोड़ने की बात करेंगे, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 कितना हो गया आपका 3 और 3 6, 6 और 4 10, ठीक है, यहां पर 10 हो गया। अब ये 10 हो गया, जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 396 आएगा, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। जब हमने सॉल्व करा तो कितना आंसर आ गया, 398, ठीक है। आपने आंसर देखा कितना आ गया, 398 आंसर आ रहा है। अच्छा, अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो 1 सेकंड में आपने ऐसे करके बजाया और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं तरीका क्या है। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, एक पैटर्न है आपका कि यहां पर जैसे कि जो भी नंबर होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, 99 के फॉर्म में, 9999, ठीक। लेकिन यहां पर 2 बार है तो 2 बार 9 यहां पर भी होना चाहिए, 2 बार 9 यहां पर भी होना चाहिए, 2 बार 9 यहां पर भी होना चाहिए, एक बात होगी। दूसरी बात, डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तीसरी बात, ये नंबरिंग चल रही होनी चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके का। ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न पे एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं और अदर एग्जाम्स ने भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस पैटर्न पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आप देखते ही आंसर दे देंगे। तो तरीका देखते हैं कि क्या है, कि आप यहां पर देख रहे हैं क्या है, 4 है, क्या है भाई, 4। आप यहां पर देख रहे हैं ये कितना है, 4, तो आपने 4 देखा और यहां पर आप देख रहे हैं कितने बार 9 है, 2 times 9 है, तो आपको क्या लगाना है, यहां पर 2 बार 0 लगाना है। आपने यहां पर 2 बार 0 लगा दिया, देन उसके बाद में यहां पर ये जितना भी नंबर होगा, यहां पर कितना नंबर है, 4 नंबर है। जब ये 4 नंबर है, 4 का आधा कर दिया आपने, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 4 का आधा 2 हो गया। आपने 400 में से 2 को घटाया, कितना हो गया, 398 आंसर हो गया। बताइए आप कर सकते नहीं कर सकते, तो इस तरीके से देखते ही आंसर आने वाला। आपको क्या समझना है, ये 4 है, ये 2 बार 9 लिखा है तो मतलब कि 400 हो जाएगा, और 400 में से 4 का आधा घटेगा, कितना बचेगा, 2, 400 में से 2 गया, कितना बचा, 398। आपने देखते ही आंसर कर दिया, ठीक है। तो जैसा मैंने वादा किया था वैसा आप कर पा रहे हैं और आप इस क्वेश्चन को भी वैसे कर पाएंगे, लेकिन हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला पैटर्न क्या है, कि यहां पर क्या होना चाहिए, 99, दूसरी ओर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और ये गिनती कहां तक जानी चाहिए, कि अगर यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 5 है उससे जस्ट 1 नंबर कम होना चाहिए ऊपर वाला, ठीक है। जब 5 है नीचे तो ऊपर क्या होना चाहिए, लास्ट वाला टर्म 4 होना चाहिए। अगर नीचे 13 है तो ऊपर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अगर नीचे 7 है तो ऊपर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर नीचे 9 है तो ऊपर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। समझ पा रहे होंगे आप। तो हमने क्या किया कि ये नंबर था 4, तो हमने लिखा यहां पर 4, यहां पर 2 बार 9 है तो हमने क्या कर दिया, 2 0 लगा दिया यहां पर। देन उसके बाद में ये नंबर जो 4 है, 4 का आधा कर दिया, क्या कर दिया, आधा। 4 का आधा कितना होता है, 2। 4 का आधा 2 को माइनस किया तो कितना आ गया, 398। यहां तक हमें बातें समझ में आ रही है। अब रहती है बात इस क्वेश्चन को करने की, तो इस क्वेश्चन को भी हम देखो यूं ही कर लेंगे चुटकियों में। ये देखो आपने देखा 12, तो आपने लिखा गया 12, लिखने के बाद में यहां पर 3 बार लिखा है तो लिखेंगे आप 12000 माइनस, देन उसके बाद में आप क्या करने वाले हैं, इसका आधा माइनस, तो 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। आपने 12 का आधा 6 माइनस करा इसमें से, तो बनने क्या वाला है, 11994। ये आपका आंसर होगा। बताइए क्या आपने इसको सेकंड में हल देखते ही सॉल्व नहीं किया, आप देखते ही आंसर दे पा रहे होंगे, ठीक है।